हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम राव, देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं फिर आपको लेकर आ गया हूं कॉस्मो होम टेक एक्सपो में, और यहां पर काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टॉल लगाया हुआ है। तो यहां पर मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जहाँ पर अगर आप फार्मा कंपनी चलाते हो या कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हो तो इस तरह की ट्यूब्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और सर से पूछते हैं, कंपनी के बारे में पूछेंगे, प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। अगर इस टाइप की आप इंडस्ट्रीज़ में हो तो कैसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? ठीक है, हाउ आर यू? फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर। वी हैव प्रेशर ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, वी स्टार्टेड अवर प्लांट इन 2009 इन नोएडा सेक्टर 63 ओनली, एंड वी हैव PBL ट्यूब्स, ABL ट्यूब्स एंड सीमलेस ट्यूब्स फ्रॉम ऑल डायर, फ्रॉम 16 टू 50 डायर। सो 5 ग्राम से लेके आप 250 ग्राम तक माल भर सकते हैं उसके अंदर। उसके अलावा राउंड ट्यूब्स है, ओवल ट्यूब्स है, सुपर ओवल ट्यूब्स है, पंप ट्यूब्स है, लॉन्ग नोजल ट्यूब्स है, पिंच ऑफ ट्यूब्स है। तो बहुत तरह के हमारे पास डिज़ाइन और मॉडल्स है उसमें ट्यूब्स में, जो हर क्लाइंट को हम फीड करते हैं उसमें। जैसे हमारा क्लाइंट एवर यूथ हो गया, नेचर एसेंस हो गया, या मामा अर्थ हो गया, ये सब क्लाइंट्स हमारे हैं इस टाइप के। तो कोई इस टाइप की अगर इंडस्ट्रीज चला रहे हैं तो वो आपसे ये बल्क में मंगवाएंगे ट्यूब, और फिर वहाँ पर वो अपना भर के फिर अपनी ब्रांडिंग करते हैं। वो ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, इवन कैप प्रिंटिंग सब कुछ इन हाउस होगी, सिर्फ क्लाइंट को ट्यूब को फिल करके सील करके आगे सेल आउट करना है। अच्छा, तो उनकी ब्रांडिंग और जो भी सब कुछ, सारी ब्रांडिंग, या ब्रांडिंग हम सब करके देंगे। अच्छा, तो सर कुछ प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, किस तरह की होती है, क्या क्वालिटी क्या रहती है? अब ये देखिएगा, मामा अर्थ की ट्यूब है, ये ओवल ट्यूब विद PBL प्योर मैट। किस तरह के प्लास्टिक यूज़ करते हैं सर? इसमें होता है LD, LLDPE, EVOH और एडमिट डलते हैं इसमें। इवन एम कैफिन भी कर रहे हैं हम, देखेंगे हम एम कैफिन ब्रांड भी हम कर ही रहे हैं। ये भी ओवल ट्यूब है, दिस इज फॉर SPF देयर। सो ऑल काइंड ऑफ ट्यूब्स मिल जाएगी। इवन रिसेंटली हमने पंप ट्यूब भी लॉन्च करी, आप देखेंगे मार्केट में एयरलेस पंप के लिए। अच्छा, दिस इज फॉर एयरलेस। क्या फ़ायदा क्या होने होते हैं एयरलेस में? एयरलेस में एयर पास नहीं होगी एक तो, और कोई तो फाउंडेशन भरनी हो, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो तो इसमें आप डाल सकते हैं। बाकी फार्मा ग्रेड्स के लिए हमारे पास ये ट्यूब भी है, सिंगल टाइम यूज़ के लिए, फर्टिलिटी के लिए बेसिकली, फॉर वुमेंस। इवन अगर कॉस्मेटिक्स में देखिए तो कंसीलर ट्यूब्स भी है हमारे पास, जो मार्केट में अभी किसी के पास नहीं है। अच्छा, हाँ ये सब हमारे पास ही है। क्यों यूनिक है सर? कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, तो कॉस्मेटिक्स में लोग मैक्सिमम क्या बॉटल्स लेते हैं या जार्स लेते हैं, तो हमने इसको ट्यूब में कन्वर्ट किया है कि इजी हैंडी हो जाए क्लाइंट के लिए इसको। इवन एमरेज के लिए भी हम ट्यूब बनाते हैं, एयरलाइंस के लिए, ये ओवल है सुपर 30 डायर के लिए। सो हर तरीके का काम होता है, ओवल है, नॉर्मल प्रिंटिंग है, या स्क्रीन प्रिंटिंग है, हॉट स्टैम्पिंग है, सारे काम कर रहे हैं हम। इवन मेटलाइजिंग कैप भी मिल जाएगी आपको, तो बहुत ऑप्शन है खादी के लिए। अच्छा, तो भी जिस तरह टाइप की प्रिंटिंग चाहिए उस टाइप की आपके प्रिंटिंग मिल जाएगी, सब कुछ इन हाउस है हमारे पास। तो 16 डायर टू लेके 50 डायर तक के ट्यूब्स हैं हमारे पास, इसमें 5 ग्राम्स टू 250 ग्राम्स तक आप भर सकते हैं मटेरियल। अच्छा, तो सर जैसे अगर कोई इस तरह की इंडस्ट्रीज चला रहे हैं तो क्या एक बेसिक नीड क्या होती है, और किस तरह से वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बेसिक हमें एक तो उनकी क्वांटिटीज पता करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी है स्टार्टिंग, जैसे क्वांटिटी 10,000 पर वेरिएंट है। उसके अलावा हमें उनसे आर्टवर्क चाहिए होता है, द आर्टवर्क वो प्रोवाइड करते हैं, हम उसको सेट करते हैं उनकी LD में, तो उनको आगे सेंड करते हैं हम। वो ऐसे ही काम स्टार्ट होता है, क्लाइंट के आर्टवर्क पर डिपेंड करता है, जो उनका आर्टवर्क हमारे पास आता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट आपकी क्या क्या रहती है सामने वाले से? आर्टवर्क और पेमेंट्स मेन तो यही है, और उस कंपनी डिटेल्स। अच्छा, ऑन एवरेज अगर जैसे प्राइसेस की बात करें, अगर वो क्या पड़ती है सर, कैसे प्राइस रेंज? देखो अलग अलग सारा काम चीज़ क्या करती है कि डिपेंड करता है कि काम कितना है ट्यूब के ऊपर। अब ये ट्यूब है, ये 500 रुपये की ट्यूब है क्योंकि लॉन्ग नोजल है। अगर इसी में आप नॉर्मल ट्यूब लोगे बिना स्केल नोजल के, वो 2.5 से 3 रुपये की पड़ेगी आपको। तो प्राइस स्टार्टिंग वही 2.5 से 3 रुपये से स्टार्टिंग होती है, आगे तो जाती है 15 रुपये 20 रुपये भी जाती है। अब जैसे ये ट्यूब है, इसमें बहुत काम है, इसमें पूरी हॉट स्टैंपिंग है, मेटलाइजिंग कैप है, तो ये 15 से 16 रुपये की ट्यूब है, क्योंकि काम बहुत है इसमें। डिपेंड करता है क्लाइंट के आर्टवर्क के ऊपर कि क्या उसने क्या क्या चीज़ें डालनी है अपने आर्टवर्क पे। जितना आर्टवर्क इन्हेंस करिए, जितना सामान डालेंगे उतना प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक प्राइस तो नॉर्मल ही है, लाइक 100 ml का 6.5 रुपये और 50 ग्राम का 6 रुपये, तो प्राइस वो बेसिक यही है स्टार्टिंग से। तो वो डिपेंड करता है उनके अकॉर्डिंग, जितना भी ऐसा ये कलर ट्यूब देखोगे आप, अब ये रेड कलर हो गया, अब इसमें इन्होंने फॉइलिंग ले ली आगे पीछे, ये भी ले लिया, तो प्राइस बढ़ेगा। डिपेंड करता है काम क्या है उसके ऊपर। ये है,
और सर जैसे देखिए ये तो हमने प्रोडक्ट देख लिया, आप बिजनेस किस तरह से करते हैं? डायरेक्ट ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी अपनी मार्केटिंग टीम है, तो हम डायरेक्ट ही कस्टमर से डील करते हैं, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूटर इन बिटवीन। नो, तो फिर अगर कोई आपके इन टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो कैसे आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? वेबसाइट है हमारी prishadnews.com, वहाँ पे कर लीजिए या मेरा फोन नंबर है उस पर कर सकते हैं कॉल। वो कार्ड शो कर सकते हैं सर? हाँ, कार्ड शो, ये मेरी कैटलॉग है, इसी में मेरा नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा नाम, मेरा नंबर, ये मार्केटिंग वाले का नंबर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। और सर एट लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में और इस इंडस्ट्रीज के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? कॉस्मेटिक्स कंपनी अभी बहुत बूम पे, ऐसा आप देख रहे होगे इंडिया की, देख रहे हो आप, थर्ड पार्टी बहुत लोग काम कर रहे हैं, सो जो कॉस्मेटिक्स कंपनी आई थिंक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इज गोना बूम वेरी नाइसली इन इंडिया, क्योंकि काम बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, मार्केट बहुत बड़ी है आफ्टर कोरोना, आपको पता ही होगा अब ये दो साल बाद एग्जीबिशन लगी है, तो आप देख ही सकते हैं क्राउड कितना है यहाँ पे, तो बूमिंग पे है। आई थिंक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है और पैकेजिंग भी साथ में। तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है उनके लिए क्या बोलेंगे और किस तरह से वो स्टार्टअप कर सकते हैं इस इंडस्ट्री? स्टार्टअप के लिए दे कैन कम विद अ लो क्वांटिटीज, जैसे कोई कंपनी है जिन्होंने स्टार्टअप करना है जिनकी क्वांटिटीज कम है, वो प्लेन ट्यूब ले सकती है, उस पर लेबल लगा सकती है कि जैसे 10,000 ट्यूब ले ली प्लेन, उसमें डिफरेंट 2,000 लेबल लगा लिए, तो उनके प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और काम भी हो जाएगा उनका। तो सारा सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा? सारा सॉल्यूशन है। चलिए सर, थैंक यू बात करने के लिए, धन्यवाद सर।